चैलेंज करने वाले हैं। आपने वैसे पढ़ ही लिया होगा, अनन्या स्टडिंग फॉर 24 आवर्स। इतना बुरा चैलेंज है ना, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने खुद ही से बना दिया। ये तो बेस्ट चैलेंज है अभी तक। हम तो सुबह से लेकर रात तक खेलेंगे। देखो जी, एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, वैसे भी अनन्या ने तो पढ़ना ही है, तो हमने सोचा सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी, चैलेंज का चैलेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, चैलेंज कर लूंगी लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगी मैं। ये क्या बात हुई, चैलेंज के अंदर ही तो वही कर अरे मजा की क्या बात है यार, पढ़ाई तो करनी है, एग्जाम नहीं देना क्या? ये सुबह से रात पानी नहीं पिएगी, खाना नहीं खाएगी, ये सब कुछ करेगी, खाना खाएगी, पानी पिएगी, सब करेगी। ये क्या है, मगर पढ़ते पढ़ते करेगी यार। ये तो बोरिंग चैलेंज होगा यार, पढ़ाई लेकर जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, एक किताब उठा के ले जाएगी साथ में बैठ बैठ के। क्या बात कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो। एक चीज कहनी है, हम तो उसको चलाएंगे भी। यार देखो, हम तो बाहर होंगे तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे बहुत ज्यादा। चलो चलो, फैसला हो गया, अनन्या चैलेंज कर रही है। चलो चलो, मिलते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे, क्योंकि हमारी सुबह शुरू हो चुकी है और चैलेंज हमारा एक बिगिन। मैं नहीं चैलेंज कर रही, नहीं चैलेंज कर रही, नहीं मैं कर रही। अभी कमरे में बंद होने जा रही है, तेरे पास कोई और रास्ता है? मैंने इसको कर दिया एक बार और अब ये नहीं खुलेगा, चुप कर। अब जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक चैलेंज चलेगा। Later. चलो ये मेरा हो गया है, मैं अभी इधर रुको, मैं नाना को ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ, आप लोग उधर नहीं आओगे? ओके चलो गाइस, नाना को जरा ब्रेकफास्ट देकर आए। गाइस नाना को अभी पहले मैंने जूस दिया है और अब मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ, तो मैंने इसमें यहाँ रखा है ब्रेड, आलू की सब्जी, दिस इज योगर्ट और बादाम मैं छील रही हूँ। एग्जाम है तो थोड़ा हेल्दी हेल्दी भी तो खाना है, और ऊपर से वो चैलेंज कर रही है तो मैडम को आज ज्यादा पैम्पर करना होगा। सही पकड़े हैं। चलो इसको पहले ब्रेकफास्ट देती हूँ और पेट पूजा करते हैं। चलो हेलो बहन, ये लो जी। अभी ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट का ही टाइम है, इसको खाओ, बादाम खाओ, योगर्ट खाओ, हेल्दी हेल्दी खाओ। मम्मा क्या मैं ब्रेकफास्ट बाहर के खा सकती हूँ? चैलेंज है, चैलेंज है, 24 आवर्स स्टडीज का चैलेंज है, तो अनन्या मैडम को यही बैठ के अपना चैलेंज करना है, दैट मींस पढ़ते रहना है, क्योंकि एग्जाम भी है और चैलेंज तो है ही है, पढ़ नहीं सकती आज ये। लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी जान, चैलेंज तो दिया गया है ना, आपको लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, बात है फिनिश। नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हो गया शुरू, नहीं अब अब खत्म पे मिलेंगे, बाहर आ रही हूँ, चलो खाओ और पढ़ाई करो। मुझे नहीं आना यहाँ पर। गाइस अनन्या को ब्रेकफास्ट दिए हुए 2 घंटे हो गए हैं, एक बार नजर तो मारूं कि एक्चुअली मैं कर क्या रही है, पढ़ रही है ना, चैलेंज ऑन है ना हमारा। ये भी ठीक है। हेलो, क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये ऊपर से नीचे आ गई है, मुझे लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद रसोई मिलेगी। नींद आ रही है भाई, मुझे इतनी नींद आ रही है, किताबें खोलते ही नहीं जा रही। कौन सा एग्जाम है? हिस्ट्री। हिस्ट्री SST सोशल साइंस। किस किस का फेवरेट है जरा मुझे बताओ तो सही। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। सच बताना यार, मेरा नहीं। कोई बात नहीं, आज मेहनत का दिन है, आज लगता है अनन्या चैलेंज कंप्लीट करके छोड़ेगी। ये वाला चैलेंज आपको अच्छा लगा ना गाइस? देखा, यूनिक आइडिया, एग्जाम्स के दिन है, सब बच्चे पढ़ रहे होंगे, करो साथ में चैलेंज। ये बढ़िया था गुरु। नहीं यार, लेकिन मुझे यार मुझे बाहर जाना है, बहुत हो गया। सॉरी, थोड़ा सा रह गया अब चैलेंज। कोई बात नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, भागो। मुझे नहीं।
ले गया। मम्मा आपको क्या लगता है अनन्या चैलेंज पूरा कर पाएगी कि नहीं? Yes, exactly. बेबी मुझे थोड़ा सा डाउट ही है क्योंकि ये चैलेंज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और 24 आवर्स यार पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल ही है, मगर देखते हैं कितनी हिम्मत है इस बंदी में कितना ये चैलेंज को एक्सेप्ट करके बोल सकती है। यस बोलो सर, देखो इसका तरीका देखो कितना अच्छा है। ही वेट्स। मम्मा बोलो जी बोलो। आपका बोलो तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे भूल गया। आप शायद मुझसे पूछ रहे थे उसको आप लंच में क्या दोगे। हाँ। मैं उसको लंच में, गुड क्वेश्चन, मैं जरा उससे पूछकर आती हूँ क्या खाएगी, उसकी मर्जी का बना लेते हैं आज लंच, है ना, बहुत मेहनत कर रही है, शी डिजर्व सम पैम्परिंग। हाँ, उसको पैम्पर करना, और तुम लोग उसके बिल्कुल तंग मत करना, मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि वो चैलेंज कर सके, हंस के पढ़ सके, है ना। यस गुड। मैं जरा उससे पहले पूछ कर खाएगी क्या, वही बनाते हैं। लेके आओ गाइस, मैं बैठे बैठे थक चुकी हूँ यहाँ। एक तो मैं चैलेंज लिया भी नहीं है एंड मुझे लोग बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, क्या करूँ, मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ। गाइस के आप पढ़ सकती हूँ पूरे 24 घंटे, कि मैं तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ चैलेंज कंप्लीट करने की। पर एक बात यहाँ की अच्छी है, मेरी सेवा यहाँ पे पूरी हो रही है, समझ रहे हो। बाहर जाने का मन कर रहा है, बाहर चलती हूँ। लंच अंदर आ रहा है, चलो 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 मेरा बेटा जी, कमरे से बाहर नहीं आना। मैं बोर हो रही थी, मुझे बाहर जाना बहुत हो गया। बोर कल होंगे, आज तो टाइम ही नहीं है क्योंकि आज तो पढ़ने का चैलेंज है। आज लंच आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राजमा राइस पूरी सेवा दे रही हूँ इसको, है आ जाओ बैठो बैठो। अरे हाइलाइटर देखे आपने? नहीं। ये नेल पॉलिश की शेप क्या है, कहाँ है इसका, क्या आप कहाँ है? ये मैडम ने पता नहीं क्या क्या नेल पॉलिश और वो डूडल्स पता नहीं क्या क्या सामान, बट सो प्रिटी, वी आर सो फॉन्ड ऑफ। लाओ 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 इसका ढक्कन दो जरा कैमरा मैन। ओके हम येलो वाला कर लेते हैं। ये देखो इट्स अ नेल पेंट, दिल करे तो नेल पेंट लगा लेना, नहीं तो इसको हाइलाइटर की तरह यूज कर देना। परफेक्ट। चलो बेटा लंच खाओ, मिलते हैं। मैं बाहर नो 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 नो, लेट्स बी अ गुड गर्ल, बैठो बैठो बैठो। और मैंने कि वो नर्ड्स तो वहाँ हमेशा ही पड़ी रहती है, दिखा दो वहाँ पर जी, नर्ड्स नर्ड्स ऑलवेज देयर। चलो खाना खाओ। पूरा कमरा वर्कशीट से भर चुका है, क्या करें, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का एग्जाम है गाइस, शीट्स ही शीट्स हैं पूरे कमरे के अंदर। बाय द वे 18 मार्क्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। नो प्रॉब्लम, कम टू दिस, बैठो खाना खाओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी। तो लेटर स्टडी ना। हाँ जी सर जी बोलो जी। एग्जाम्स तो चल ही रहे हैं बेटा, चल रहे हैं। और क्या भूल गए, उसके एग्जाम्स तो चल ही रहे हैं, हमारे एग्जाम 30 तक चल रहे हैं गाइस। हाँ अभी बहुत दिन है, बिचारी की आंखें खुली की खुली रहेंगे। त्यार हो जा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, तेरे भी दिन आएंगे। चलो एग्जाम तो ठीक है, लेकिन हम भी बोर हो रहे हैं ना, तो हाफ एन आवर के बस ब्रेक दे दो, हाफ एन आवर। तुम दोनों आपस में खेल लो बेटा, इस 24 आवर चैलेंज 5 मिनट्स की भी ब्रेक नहीं दे सकते, ब्रेक दी मतलब चैलेंज गॉन। इसी बारे में पढ़ रही, इसको पढ़ने दो। सर बोलिए, 24 आवर इतने ज्यादा हो सकते हैं, उसके अंदर से 5 मिनट नहीं, 5 मिनट भी नहीं तो फिर चीटिंग हो जाएगी ना सबके साथ, वो देख रहे हैं आपको। सही पकड़े हैं। यस गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, कब आती है हम लोग खेल लेते हैं। यस प्लीज आप जाओ गाइस, अभी तो हम लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन हमें नाने को हम फिर से चिल्लाने वाले हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई के चाहिए तो पढ़ाई करो, फिर मुझे क्या करना।
मैनेजर ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत गलत हो रहा है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी 24 आवर्स वो सिर्फ पढ़ाई, इतनी बोरिंग है यार ये चैलेंज, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी। मैं सोच गया मैं कंपनी की तो करूंगी चैलेंज। हाँ नाना दीदी, क्या कर रही है मेरी दीदी? मम्मा यार बहुत हो गया, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यार। तू मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, तूने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा चैलेंज कर रही है। मेरे नेक में भी इतनी दर्द हो रही है और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। शराज यार इतना खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है बाहर उनके साथ, कितनी आवाजें आ रही है। आई नो बट आप तो चैलेंज कर रहे हो, है ना? तो कुछ नहीं होता, एंड कर दो चैलेंज। थोड़ा सा और रह गया, नेक दबा दूं मैं? ना। कुछ यहाँ पर ऑयल लगा दो? ना। घुटने दबा दो? मैं तो आज सेवा ही कर सकती हूँ और मुझसे कुछ ना हो पाएगा। तू शेर पढ़ ले, यू आर गुड गर्ल। थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा और कर ले और फिर तेरा चैलेंज भी हो जाएगा और तेरी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। यस क्या पढ़ रहे हो जरा ये तो बता दो फिर। SST पढ़ रहे हैं, डायग्राम भी बहुत जरूरी है, तैयारी हो रही है। यस अच्छा रात को क्या खाना ये बता। मुझे भी नहीं, नहीं जो तू बोलेगी वो ही होगा। मुझे भी नहीं। आज नाने चैलेंज कर दिया तो इतना तो हक बनता है नाने का। बोलो बोलो ना। कुछ भी दे दो। अच्छा चलो नाने नहीं बताना, बताओ कुछ भी दे दो। Later. मेरी अनान्या दीदी नाराज हो गई है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है, तो मैं पहले अनान्या दीदी को ना उसका यम्मी केक खिलाने जा रही हूँ। भाई इतनी मेहनत कर रही है, ऐसे नहीं, मुझे ना अब अच्छा नहीं लग रहा, सुबह से रूम है और वो पढ़ रही है, विच इज गुड जॉब, अकेली संभाल रही है आज वो चैलेंज, उसको पैम्पर करना तो बनता है। Yes, exactly. कुछ तो हुआ मेरे साथ अच्छा इस दिन में। यम्मी यम्मी यम्मी। मतलब बेटा कुछ अच्छा नहीं हुआ इसके साथ? नहीं सुबह से पढ़ रही हूँ मैं। चलो बच्चा अभी जो बोलेगी सब इसको माफ है। बहुत यम्मी है। खाओ खाओ खाओ, बस हंसते रहो। हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेट है सोने का टाइम हो गया है, चैलेंज इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बिकॉज सोई तो सही ना, ऐसे करे बुला के लाए। बुला चलो आओ फिर नाइट सूट पहनो चलो। हां जी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल थोड़ा? सोने का टाइम हो गया है, चलो उठो नाइट सूट चेंज करो और हम डिनर करेंगे। ऐसे शब्द मम्मा के मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। आज ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जाता है सिर्फ जल्दी प्लीज अनान्या दीदी के लिए। गाइस 1 2 3 आपके भी आई एम श्योर एग्जाम्स चल रहे होंगे, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, डू वेल। और हाँ गाइस अनान्या के लिए कॉमेंट जरूर करना, बेस्ट ऑफ लक, वी नीड इट। यस अनान्या वी नीड इट। यस यस एग्जैक्टली। आई होप आपको हमारा चैलेंज बहुत अच्छा लगा होगा। नाना शनाया सिहान चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले चैलेंज के अंदर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देख
देखने के लिए गणेश बर्थडे सेलिब्रेशन ब्रॉडी बनी ने तो डरा ही दिया। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 ब्लॉग्स पे। बहुत मजा आया बर्थडे पार्टी पे। ब्रॉडी बनी तो सब कुछ